बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। एक ही रात में दो घरों में बदमाशों ने लोगों को बंधक बनाकर जमकर की लूटपाट। बुलंदशहर एक ही रात में दो घरों में बदमाशों ने लोगों को बंधक बनाकर जमकर की लूटपाट। चार हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर दिया घटना को अंजाम। एक के बाद एक तमंचे के बल पर लोगों को बंधक बनाकर दो घरों से जेवर और कैश लूट के ले गए बदमाश। घटना के वक्त तमंचे के बल पर परिवार बनाया गया था बंधक। घटना को अंजाम देकर लुटेरे फरार। पुलिस घटना को बता रही है चोरी की वारदात। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर। बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर में हुई वारदात। भैया क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। क्या मामला हुआ था आपके यहाँ पे? दो ढाई बजे तक करीब टाइम हो रहा था और हम चारों अंदर सो रहे थे। पता ना कहाँ से आए। सबसे पहले मुझे जगाया था पटपटी पे, बंदूक तानती चारों के हाथ बांध दिए और ऊपर से चद्दर दी और चारों तरफ खगोड़ लिया। मम्मी की कुछ चीज थी, आधी से ज्यादा चांदी और 15,000 रुपए कैसे वो ले गए। आप जब कहाँ पर सोए हुए थे? सो रहे थे हम सगले चारों एक जगह सो रहे थे। कूलर चल रहा था, उसकी आवाज से पता भी नहीं लगी कूलर की आवाज से। तो मतलब कैसे देखने में कैसे लगते थे? क्या उन्होंने कुछ बांध रखा था? चारों के साथ काले कलर के कपड़े पहनने के थे। चारों भी बंदे की चाकू दिखे और बस इतना ही देखा शायद। और जैसे बंदूकों में रस्सी बांध रखी थी कट्टे, बंदूक के नाल से ताले तोड़े सगले। एक कह रहा था ज्यादा मत बोले तेरे कंपटे पे भ्रष्ट कर दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमणी है। क्या मामला हुआ था रात आपके? ये मामला हुआ, हम सो रहे सगले, आके छोटे लौंडा के कन लगा दी और सबसे पहले आके चद्दर फाड़ी उन्होंने। मैंने कह रही चद्दर की फाड़ रहे हो? बोले ना हो चुप। उन्होंने आके चद्दर फाड़ के बालकन कर इसके पापा के हाथ बांध कर अलग अलग बिठा दिए। अलग बिठा के सबके ऊपर कम्बल गिर दिए कम्बल। मैं बोली मैं पिसाब को जा रही हूँ ना, यहीं बैठ हाई बैठ। रोहित कह लगा हमारी मम्मी बीमार रहे ने पिसाब करी आंदे पहले ना हाई बैठ। मैं हुई बैठ गई सगले में खकोड़ा मचा डाले। सब ले गए चीज बत लेकर के 25,000-30,000 रुपया उन्हें ले गए चीज ले गए आधी किलो से ज्यादा। अब पुलिस आई यहाँ पे क्या? कैसे पुलिस को कैसे सूचना दी गई? रिपोर्ट करके आए हम रात 3 बजे गए यहाँ। अच्छा, अब पुलिस क्या कह रही है? पता ना मुझे लौंडा हुई अभी थाने में, मुझे कुछ पता ना।